एक प्रॉफिटेबल एंड्रॉइड डेवलपर कैसे बने किस तरह से एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सहायता से आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना है ऐसा इंसान जिसने कभी एंड्रॉइड छू ही नहीं है डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है और क्लासिकल अप्रोच से कुछ चीजें हटके बताऊंगा यानी कि जो चीजें आप ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं यार ऐसे कर लो वैसे कर लो उससे हटके कुछ चीजें बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा तो देखना पूरा वीडियो ध्यान से और डेफिनेटली कुछ नई नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है इस वीडियो में जिनकी बात कोई भी नहीं कर रहा है लिटरली कोई भी नहीं कर रहा है ज रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज के दौर में उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है विदाउट हार्मिंग एनी वन विदाउट डूंग एनील इट यार ही गलत अगर आपने दिमाग में कुछ बना लिया तो मेरे हिसाब से सा उसका नहीं है तो जल्दी से पहली स्टेप के बारे में बात करता हूँ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी अगर

यूज करना चाहते हो और आप यूज करना चाहते हो लेट लेटस से स्टोरेज को रीड करना चाहते हो इन अ वेरी फास्ट फास्ट एज एज पॉसिबल रीड करना चाहते हो नेटवर्क कॉल्स मार के प्रोसेसिंग वगैरह करना चाहते हो डिवाइस के हार्डवेयर को इस्तेमाल करके तो ये सारी चीजें नेटिव ऐप में फास्ट होंगी हैंड्स डाउन कोई तरीका ही नहीं है आपके पास कोई नहीं है अगर आपको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करनी है तो लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो फ्लटर का तो होता क्या है कि मैंटेनेबिलिटी आसान हो जाती है आप मेंटेन कर पाओगे कोड को आपको कम कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको एक तीर से दो निशाने

देना चाह रहा हूँ जिनका मेन प्रोडक्ट ही ऐप होता है तो जब किसी का भी मेन प्रोडक्ट ऐप है तो वो क्या करेंगे कि नेटिव टूल्स को यूज करके बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन को और वहां पर वो एक ऐसे डेवलपर को खोजेंगे जिसको कॉटलिन आती है और नेटिव एड्रॉइड में सीरियस काम करना आता है और अभी जो मैंने बताया ना आपको उसके बारे में बात करूंगा कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा वो भी बताऊंगा लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ कि अगर आप फ्लटर एंड डार्ट वाले रूट जाते हो कि यार मैं तो फ्लटर सीखना चाहता हूँ तो वो थोड़ा सा अलग रास्ता हो जाता है कॉटलिन चुनते हो तो वो अलग रास्ता हो जाता है तो सबसे पहले तो अपना रास्ता सोच समझ के चुनो कुछ नहीं आता तो कॉटलिन के साथ जाओ लेकिन अगर आप And dart, रहे कि यार मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाऊंगा लटर एंड डार्ट यूज करके रियाक्टिव यूज करके तो ये नहीं कि आपने चार दिन कर लिया रियाक्नेटिव फिर आ पांचवें दिन यार ये अच्छा नहीं लग रहा है चलो कॉटलिन बना यार, ये भी अच्छा नहीं है कुछ भी नहीं सीख पाओगे तो जो अपना पाथ है उसको सही से चूज करो कुछ नहीं आता वन सेकेंड मैं कहता हूँ कॉटलिन सीख लो टाइम लगेगा लेटेंट क्या होता है वेर वेल well में क्या डिफरेंस होता है किस तरह से डिक्लेरेशन होते हैं फंक्शन किस तरह से काम करते हैं को रूटीन का कॉन्सेप्ट है कॉटलिन में और थोड़ा बहुत और अगर आप लोग एक बार सीख ले तो किस तरह से काम करती है कॉटलिन तो आपको आ जाएगा यार और फिर वही है कि सारा का सारा कुछ तो एंड्रॉइड एस के में होता है यानी कि आपको सारे फंक्शन एक्टिविटी लाइफ साइकिल ये सब चीजें रिपीट होंगी हर ऐप में तो एक बार आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया ना ऐप का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसके बाद सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी कुल मिला के चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी एक पॉइंट के बाद और फिर उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रह भी जाता है कैन ऑलवेज वॉच अ वीडियो ऑन दट टॉपिक यू कैन ऑलवेज सर्च द डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी चीज कॉटलिन की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है तो कॉटलिन को सीखो टाइम लो आराम से अगर पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो जो सारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के हैं ये सारी चीजें टाइम लगेगा लो टाइम और मैं बताऊंगा आप लोगों को कहां से सीखना है वो भी और उसके बाद आप लोग एप्स बनाना स्टार्ट करो लेकिन जल्दी से जल्दी आ जाओ एप बनाने में ये नहीं की आप ही सीखे पड़े हो मुझे नहीं लगता की आप लोगों को फ्रॉम लर्निंग कॉर्टलिन मतलब अगर आज आपने स्टार्ट करा वहां से एंड्रॉइड ऐप बनाने में चार वीक से ज्यादा लगना चाहिए या तीन वीक से ज्यादा लगना चाहिए तीन, तीन वीक सीखो मुझे पता है तीन वीक में पूरी कॉर्टलिन मास्टर नहीं हो सकती लेकिन ऐप बनाना स्टार्ट कर दो यार अगर आपने ये रोड मैप चुन लिया है कि यार मुझे कॉर्टलिन से एंड्रॉइड बनाना स्टार्ट कर दो उसके बाद ठीक है ये एक बात हो गई अब अगर आप लोग जाते हो आईओएस की ऐप बनाना वो मैं बता दूं, टोटली डिफरेंट बात है आपके पास एक मैक होना चाहिए और आपके पास एक आईफोन भी होना चाहिए टेस्ट करने के लिए अपनी आप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है वो सारी चीज़ें लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक लेट स्टॉक एंड्रॉइडी है वो चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और जो एक बहुत अमेजिंग चीज़ है आई लव इट वो है जैटपैक इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है यार आजकल मुझे समझ में नहीं आता जैटपैक कम्पोज यू बनाने का एक बहुत तगड़ा तरीका है जब आप कॉर्टलिन से या जावा से भाई तब जावा और कॉटलिन के बारे में भी जल्दी से बता दू आपको पहले लोग ये कहते थे कि यार जावा सीख लो लेकिन अब लोग कहते हैं कॉटलिन सीखो गूगल ने भी कह दिया कि भाई साहब कॉर्टलिन ही हमारी

तो कोई दिक्कत नहीं है जावा में बना लो ठीक है और फिर कॉटलिन भी इजिली समझ में आ जाएगी अगर आपको जावा आती है तो लेट मी टेल यू डरना मत डर अगर जावा आती है तो कॉटलिन आती है थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है बस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने की जरूरत है बस कॉटलिन के साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दू ये एक बात हो गई अब आ जाते हैं जाटपा कम्पोज पे जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है ये इतना ज्यादा रेवल्यूशनरी क्यों है जब हम जावा या कॉर्टलिन से अपनी एंड्रॉइड एप्स बनाते हैं तो होता क्या है कि हम एक्सएमएल अलग से लिखते हैं और उस एक्सएमएल को जो वो एक्सएमएल होता है वो एक तरह से रॉस कैलेटर होता है आपका हमारे एक्सएमएल कोड में होता है कि कहां पर है कहां पर टेक्स्ट बॉक्स है कहां पर कंस्टेंट लेआउट है कहां पर लिस्ट व्यू है क्या कहते हैं कि भाई इस आईडी वाले एलिमेंट पर क्लिक करें तो ये हो जाए यहाँ से वैल्यू उठा लो इसको पॉपुलेट कर दो इस तरह से कुल मिला काम होता है जैकमे कंपोज क्या कहता है यार एक्सएमएल मत लिखो कॉटलेन लिख लो यूआई बनाने के लिए भी लॉजिक के लिए भी बस सिर्फ एक ही लैंग्वेज कोटलिन में आपका यू भी बन जाएगा मजा तो आप ही आ जाता है मैं आपको पे ले जाके और एप्स बनाना भी बहुत आसान है आप लिटरली गूगल की कोड लैब से सीख सकते हो बताऊंगा आपको सारी रिसोर्सेज बताऊंगा और एक और रिसोर्स बताऊंगा बहुत तगड़ी जिससे आप लोग जैट पे कम्पोज का सीख सकते हो तो आपको एक्सएमल वाली टेंशन तो आपकी खत्म ही हो गई प्लस आप जो है मॉडर्न जमाने की तरफ भी बढ़ रहे हो जैटपे कंपोज से अगर बना रहे हो को और जेट पे कंपोज की सहायता से बनाना आसान है बस एक चीज है कि यार कॉर्टलिन पे होल्ड आपका बहुत होना चाहिए अगर जेट पे कम्पोज यूज कर रहे हो क्योंकि सिर्फ लिखते हो आप पर लेकिन यार बहुत ही पावरफुल चीज है मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो की आप लोगों को एंड्रॉड के लिए सीखने चाहिए लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ की कहां से आप लोगों को सारी चीजें सीखनी है तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में ये देख लेते हैं कि सारी चीजें सीखनी कहां से और फिर वापस आऊंगा मैं जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ प्राइमारी दो रूट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए यूजिंग कॉटलेन एक तो है कंपोज एक है कॉटलेन प्लस एक्सएमएल अब मैं आपको बताऊं कि कॉटलेन विद व्यूज का मतलब है कि व्यू फाइल आपकी अलग बनेगी एक्सएमएल में और कंपोज का मतलब है कि सारा कोड कॉटलेन में लिखने वाला है आपका ठीक है तो अगर आप लोग कंपोज सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स लेना और अगर आप कॉटलेन सीखना चाहते हैं तो ये लेना अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कोड लैब्स भी हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ या मैं कहूँगा जो ये एंड्रॉयड डेवलपर्स की वेबसाइट पर जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इंफॉमेशन में गैप है यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखना चाहते हैं इधर से सीख के एम्प्लीमेंट करके कुछ चीज़ें है जाती हैं वो कहीं और से इस तरह से करना चाहते हैं तो दैट्स टोटली फ़ाइन लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं कम्प्लीट एंड्रॉयड कॉटलिन सीखने के बाद तो मेरे हिसाब से आप लोगों को लेना पड़ेगा एक कोर्स और उसी के लिए मैंने पार्टनर किया है इस वीडियो के लिए यूडेमी के साथ और यूडेमी के चुनिंदा कोर्सेज में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे एक ये कोर्स है एंड्रॉयड ट्वेल्व एंड कॉटलिन डेवलपमेंट मास्टर क्लास इसकी सबसे बढ़िया खासियत ये है कि आप लोगों को ये कोर्स स्टार्टिंग से सबसे पहले कॉटलिन सिखाता है कॉटलिन सिखाने के बाद आप लोग यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो और इन सब चीज़ों के बेसिक सीखते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को करवाई जाती हैं कुछ रियल वर्ल्ड ऐप्स जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है और इसमें एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि इसमें फायर भी पढ़ाया जाता है तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग को ये चीज़ थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लगती है आप एकदम टोटली बिगिनर हैं आप चाहते हैं कि यार आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आपका काम पूरा एंड्रॉयड आप लोग सीख जाएँ तो मेरे हिसाब से ये कोर्स जो है इज़ द बेस्ट सो फार अब यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएंगे तो हो सकता है आपको प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाए क्योंकि मैंने पार्टनर किया यूडेमी के साथ और यूडेमी आप लोगों को बेस्ट डील देने वाला है अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को खरीदते हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि हाइब्रिड डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैंने ऐसे कि आपको बताया कि अगर सिर्फ आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एप्स बनाना चाहते हो तो नेटिव ही करना देखो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि भीड़ थोड़ी कम रहती है ज़्यादातर लोग डी वेब डेवलपमेंट की तरफ भागते हैं और जब लोग डी और वेब डेवलपमेंट की तरफ हाँ रहे हैं और वहां पर आपको एंड्रॉयड आता है सही से और आपने ए टू जेड सीखा हुआ है तो मेरे हिसाब से आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है और आप लोग इस एडवांटेज का उपयोग कर सकते हैं एंट्री बैरियर इसमें हाई रहता है ये बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव पॉइंट बताते हैं मैं इसको एज अ पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपके पास एडवांटेज रहती है एक बार आप सीख जाते हैं तो अब हाइब्रिड भी अच्छा होता है अब हाइब्रिड के लिए मैं आप लोगों को ये कोर्स रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है फ्लटर एंड डार्ट द कम्प्लीट गाइड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एडिशन ये आपको फ्लटर एंड डार्ट सिखाता है बट लेट मी टेल यू कि अगर आप लोग कॉटलिन वाला रास्ता चुनते हैं तो यहाँ मत आना ये टोटली डिफरेंट है इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है उसमें कॉटलिन लगती है अगर आप कॉटलिन विद व्यूज और कंपोज की बात करें तो हाउस में सिमिलैरिटीज आपको दिख जाएंगी डेफिनेटली लेकिन ये थोड़ा सा एक दूसरा रास्ता हो जाता है उसी के साथ साथ अगर आप रियक्ट नेटिव चुनते हैं वो दूसरा रास्ता हो जाता है अगर आप एक बिगिनर हैं टेंशन मत लेना बस अगर आप लोग हाइब्रिड बनाना चाहते हैं ऐप्स फॉर सम रीजन आप चाहते हैं कि यार मुझे एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ऐप्स के लिए सेम कोड लिखना पड़े तो ये चीज़ आप कर सकते हैं फ्लटर एंड डार्ट द कंप्लीट गाइड ये वाला कोर्स बहुत बढ़िया है अगेन डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेकआउट करना आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी प्राइसिंग पे भी और फॉर सम रीजन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मुझे जावा सीखनी है मुझे कॉर्डली नहीं सीखनी है मेरे स्कूल में जावा कराई जाती करा है कॉलेज में जावा कराई जा रही है जावा में ही करना है मुझे क्योंकि मैं डी एस भी कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं आप लोगों को डाउन ये वाला कोर्स रिकमेंड करने वाला हूँ कुछ भी हो जाए ये सबसे बढ़िया कोर्स है पोलो डिकोन द्वारा और इन्होंने बहुत बढ़िया एम एल फेस किट्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया है फेस रिकग्नीशन जावा पूरी इन्होंने बताई हुई है अच्छे से रिविजन करा रखा है फिर उसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बस एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये कोर्स थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर आप लोग कर रहे हो तो लेकिन फिर सिखा के भी इतना जाएगा आपको कि जावा से आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया एंड्रॉइड ऐप्स बना सकते हो

कौन सा चुनना है तो आप लोग क्या करो इनके वीडियोस को प्रीव्यू करके देखो और एक कोर्स चुन लो यार एक लर्निंग बात चुन लो स्टार्ट कर दो ये मत सोचो कि यार इतने सारे कोर्सेज हैं क्या करूं कैसे करूं क्या करूँ के मत पढ़ो स्टार्ट कर दो यार आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो जितनी भी बातें मैंने बताई है उससे आप लोग को कम से कम इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा पाथ चुनना है आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुननी है जेटपैक चुनना है कॉटलैंड विद व्यूज चुनना है जावा चुनना है फ्लटर चुनना है ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए और आपके पास अपना स्टडी मटेरियल होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एंजलो का जो ये वाला कोर्स है क्या ये बढ़िया है फ्लटर एंड डार्ट से रिलेटेड हाँ ये भी काफ़ी बढ़िया कोर्स है अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूँ और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये कोर्स किया है उन्होंने इसका पॉजिटिव फीडबैक ही दिया है जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ बहुत सारे लोग जो फ्लटर की ऐप्स बना रहे हैं उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने ये कोर्स किया है तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं लेकिन पर्सनल ओपिनियन में अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये वाला मैक्स वाला कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है बट अगैन यूडेमी की काफ़ी अच्छी बात यह होती है कि आप रिव्यू करके देख सकते हो तो आप प्रिव्यू करके देखो और अपनी इंट्यूशन का भी सहारा लो कि आपको कौन सी कोर्स जो है वो खरीदनी है अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अगर आप लोग नेटिव आई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और उसका रूट भी पूरा अलग है ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट का रूट मैप है आ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले ऑब्जेक्टिव सी यूज़ की जाती थी एप्पल के आई एप्स बनाने के लिए लेकिन अब स्विफ्ट की तरफ मूव हो गया है सब कुछ और स्विफ्ट में काफ़ी बेटर फीचर्स और ईजी टू राइट सिंटेक्स है अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नेटिव आई ओ एप डेवलपर बनना चाहेंगे हाँ बनना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि नेटिव आई डेवलपमेंट करते हैं तो जिस तरह से एप्पल का सब कुछ महंगा होता है ऐप्स महंगी होती है आई डेवलपर भी बहुत महंगा होता है तो ये भी मैं बता दूँ आपको अगर आप लोग मार्केट में जाएंगे आई डेवलपर को हायर करें बहुत ज़्यादा चार्ज करता है तो वहाँ आपको एक एडवांटेज मिल जाती है मेरे हिसाब से जो कम्पोज की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप यहाँ स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करें और फिर इसके बाद यहाँ पर आप एक्सप्लोर पर क्लिक करें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखी हुई है यहाँ पर कोड लैब्स आप ले सकते हैं ये भी बुरा नहीं है अपने आप में मैं तो कहूँगा एंड्रॉयड डेवलपर से भी काफ़ी अच्छी जॉब करिए है बनाने में लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चाहिए तो डेफिनेटली यूडेमी कोर्स आप खरीद सकते हैं नो डाउट देर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ अगर एक अच्छा कोर्स आपको मिल जाता है जो कि आप लोगों को काफी अच्छी डील पर मिल जाए और उसी के साथ साथ आपको काफी सिखा के चला जाए तो मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये थी वो सारी चीजें जहां से आप लोग सीख सकते हो एंड्रॉड डेवलपमेंट अब कुछ कैवियट्स एंड टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ कैवियट्स का मतलब कि कहाँ पर फंसोगे आप लोग तो सबसे पहला कैवियट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास एक अच्छी पीसी नहीं है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना आपके लिए मुश्किल होगा ये सच है अब मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर आपके पास ठीक ठाक पीसी है तो आप यूएसबी का इस्तेमाल करके अपने एंड्रॉइड फोन को एक्चुअली कनेक्ट करना उसके बाद काम करना ये करने से फायदा क्या होगा आप लोगों को कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहेगा जब आप स्टूडियो में काम कर रहे हो तो और उसी के साथ साथ चार जीबीटी का इस्तेमाल करो यार बहुत सारे लोग चार्टीबी का इस्तेमाल ही नहीं करते पता नहीं क्यों मेरे हिसाब से चार जीबीटी यूज करना चाहिए सबको चार्टीबीटी को पूछो यार कि मैंने कंपोज में यूआई लिखा क्या प्रॉब्लम आ रही है क्यों नहीं सही से चल रहा है इस तरह की चीजें जाकर चार्टीबीटी से पूछो आप लोग उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हो कोड को आपकी ऐप बन रही है तो बिल्कुल भी टेंशन

करने के लिए एक डिपेंडेंसी है जिसका नाम है रेट्रोफिट और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो रेट्रोफिट एक पैकेज है बहुत सारे पैकेजेस है एंड्रॉइड के अंदर जो की आपको धीरे दिर धीरे जैसे आप अपनी जर्नी को आगे लेके जाओगे और जो कोर्सेज वगैरह मैंने बताया वो अब जब आप लोग करोगे तब आपको इंस्ट्रक्टर्स बताएंगे उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से नई नई चीजें यूज की जा सकती है वो चीजें जो आपको पता भी नहीं थी वो पता चलेंगी तो काफी कमाल की चीज जो है आप बना सकते हो इंटरनेट से डेटा पुल करके फिर एक और ऐप जो आपको डेफिनेटली बनानी चाहिए एट सम पॉइंट वो है म्यूजिक प्लेयर वीडियो प्लेयर फोन के अंदर किस तरह से वीडियो को प्ले करना है सारे कंट्रोल्स इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है एक्सो प्लेयर करके एक लाइब्रेरी है काफी बढ़िया काफी पॉपुलर है एंड्रॉइड में अब एक और चीज बताता बताओ जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, वो है वर्जन कंट्रोल वर्जन कंट्रोल एकदम बेसिक है आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए कि यार अपने कोड के वर्जन को पुश कर पा रहे हो गिट पे गिट पे मैंने एक वीडियो बना रखा है बड़ा छोटा सा कि गेटअप कैसे यूज करना है लर्न टू पुश योर कोड टू गेटअप इन टेन मिनट्स करके वो वीडियो है सर्च कर लेना है उसको देख लेना एक बार कम से कम आप अपना कोड कैसे पुश करोगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया उस वीडियो पे कॉमेंट भी किया बहुत सारे लोगों ने यार आपने ब्रांचेज नहीं बताई पुल रिक्वेस्ट नहीं बताई ये नहीं बताया वो नहीं बताया रीजन ये है कि मैं आपको

मेहनत करी तो आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाने वाली तो कभी भी आपके दिमाग में क्रेजी सा क्वेश्चन आता है कि सैलरी कितनी होगी मैं परेशान तो नहीं हो जाऊंगा मेरे वर्किंग आवर्स क्या होंगे मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे कॉटलिन कितनी देर में आएगी मैं क्या दो दिन में बन सकता हूँ इस तरह के सवालों को साइड में रखो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो जो रिसोर्स बताइए उनको फॉलो करो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ अपना टाइम इन्वेस्ट करो यार इन सब चीजों में सीखने में आपने कितना टाइम लगाया अगर आप दो दिन बैठ के सोच रहे हो कि यार मैं जावा करूँ कॉटलिन करूँ सोच लेता हूँ यार कर लो जावा करोगे कॉर्टलिन भी आ जाएगी टू जावा में भी आप इजीली एक बार कॉटलिन के बेसिक्स आ गए तो जावा भी अगर सीखनी पड़ गई कल तो वो भी सीख लोगे ठीक है तो इतनी टेंशन नहीं लेते हैं सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो फोकस करो यार प्रोडक्टिव बनू मैं हंड्रेड प्रोडक्टिव कोई नहीं होता आज तक अगर आपने टाइम वेस्ट किया कोई दिक्कत नहीं है कल से कर लो यार स्टार्ट एक नया गोल बनाओ कि यार मुझे अगले तीन महीने में मतलब अपने आपको ऐसा कहना है कि यार मैं पहले से तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था इंप्रूव करते रहो यार टाइम टू टाइम और डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट किस तरह से सीखना है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गए थैंक यू सो मच guys for watching this video and i will see you next time